जब आवेगा भगत सिंह बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। ऐ मेरी वीर भूमि राजस्थान के लोगों, इसका जो जवाब दिया ज्यादा वार्ता ना करते हुए सीधा सुनिए और बात अच्छी लगे तो बताना। हर देश ते जुड़ा है यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह हो मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। कुटुम कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। देश की तेरा कोई ना मेरे, देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही सगेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही सगेर। सर पे ना समाई मेरे गाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। भाई रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, मुझे ये बता कि जब तू इस भारत देश के लिए कुर्बान हो जाएगा मैं किसकी कलाई पे राखी बांधूंगी मेरे भाई। सजनों सटीक जवाब दे दूं तो आपका आशीर्वाद मिले। आपका प्रश्न है कि रक्षाबंधन के आने वाले त्योहार पर जब भाई नहीं रहेगा तो किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। हाँ भाई है मेरी बहन। हाँ अर्थी के पीछे ये समाज ये तय कर देता है आदमी बुरा था या भला था। तेरे भाई ने कोई नीच और गंदा कर्म नहीं किया, तेरे भाई की बदौलत तेरी गर्दन सदैव ऊंची रहेगी। एक बात कहना चाहता हूं,
एक बात नोट कर ले, तू जिस गलियारे से होकर के गुजरेगी लोग ये कहेंगे कि ये उस आदर्श भगत सिंह की बहन है जो देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। और तीसरी बात ये है मेरी बहन, अगर ये गोरे अंग्रेज एक भगत सिंह को फांसी पर लटकाने का काम करेंगे तो मेरी भारत माता की गोदी से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो सब तेरी राखी बंधवाने का काम करेंगे, सब तेरे भाई होंगे, तू अकेली नहीं रहेगी। लेकिन मेरी बात सुन मेरे, क्योंकि शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे और अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अपने खून से सींचा है जिन शहीदों ने इस बगीचे को, इस भारत माता की खुशबू को अंग्रेजों के हाथों लूटने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। अब बता बात, भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बताए बैठी। और 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे है इतिहास, आजादी के ढोल बजे जिब पूरी हो जा मेरी आस, भोली भाली बहन कहानी सुनती जइए सारी खास, भोली भाली बहन कहानी सुनती जइए सारी खास, झिले ना किसी पे ऐसी मार हो, मां दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। आदरणीय दादाजी का बड़ा बड़ा धन्यवाद मेरे मेहरबानों। जब उस बहन ने कहा रे भाई मां मर जाएगी रो रो के, वो तेरी फांसी नहीं देख पाएगी, तो प्रेमी सजनों फिर भगत सिंह का जवाब था, ऐ मेरी बहन मेरी मां को कहना ये मुझे किसी भी रोज फांसी पे लटका सकते हैं, जिस दिन भी मैं फांसी पे चढ़ूं मेरी मां को कहना वो रोए नहीं, रोए नहीं फिर क्या करे, मेरी मां को कहना वो गाने गाए और स्वयं ढोल की बजाए, गाने गाए ढोल हाँ, की बजाए। मेरे आदरणीय दादाजी श्री फूलचंद आर्य जी बूढ़वाल से तालियां बजाइए, बाबूजी भावुक हो गए, 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, पहले भी नाम दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ को कहना वो रोए नहीं, फिर क्या करे, ढोलक लेकर के गीत गाए, गीत गाए, चूंकि मैं फांसी के फंदे को चूमते वक्त एक ही लाइन गाऊंगा क्या, और सजनों आपके भी दिल में लाइन उतर जाए तो मेरे साथ गाना, भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमने से पहले क्या गाया था सुनिएगा जरा, हे प्रीत जहांगीर ही सदा, हे प्रीत जहांगीर ही सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, बारात बुरी लगती है और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भगत सिंह,
जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। नहीं मेरी बहन, देश के लिए कुर्बानी देना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो अपने देश को, अपने नौजवानों को एक ही बात कहता हूँ, तू मेरी माँ जाई है। और तेरा हाथ पकड़ के ये प्रतिज्ञा करता हूँ मेरी बहन कि कसम इस धरती की मुझको, कसम इस धरती की मुझको, और कसम है भगवान की, देश के हित में लगा दूं बाजी अपनी। भगत सिंह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि क्योंकि देख नहीं सकता मैं बर्बाद अपने देश को, देख नहीं सकता मैं बर्बाद अपने देश को। अरे जब भगत सिंह आजाद है तो कर देगा आजाद अपने देश को। अब बता क्या कहना? सुन भाई क्या हा? और बड़े भाई जितेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, 200 रुपए से सम्मान किया देशभक्ति रागनी पे, बहुत बहुत धन्यवाद। मग हृदय डोल रहा मेरे नैनो तह रुके नानी रे। ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। और तू शेरा की बहन शेरनी। सजनों बहुत गजब का प्रश्न था, अगर ब्याह भात के मौके पे कौन चीर उठाएगा? जवाब सुनिए क्या दिया भगत सिंह ने। एरा तू शेरा की बहन शेरनी, मत रोने काली जे नाम, दादाजी को समझाना और माता ते अंतिम प्रणाम। और क्या कहा? मेरी माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम प्रणाम। धूल जवानी पे पड़ जागी जो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जागी भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। भारत रहेगा तेरे साथ में। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सजनों कुर्बान हो जाएगा तो कौन तो मेरा बात भरेगा और कौन मुझे चीर उड़ाएगा मेरे भाई, इतना बता दे। और कौन मेरी माँ के लिए दुल्हन लाएगा? कई प्रश्न कर दिया अमर कौर, एक मिनट और बची है। तूने कहा कौन मेरे सिर चीर उड़ाएगा, इसका जवाब दूंगा। तूने कहा मेरी माँ का सपना है बेटा बड़ा होकर के दुल्हन लेकर के आए। हाँ, तो माँ विद्यावती को जाकर के कहना, क्या अकरी माँ भगत सिंह क्षमा चाहता है और वो तेरे लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं लाना चाहता, ए मेरी बहन, मैं अपनी माँ विद्यावती के लिए दुल्हन तो नहीं लाना चाहता, परंतु एक बात जानता हूँ,
अगर मेरी कुर्बानी से, मेरी वीरता से और मेरी शहादत से, मेरे फांसी चढ़ने से अगर मेरी भारत माता आजाद हो गई, तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दूसरी दुल्हन नहीं है। क्योंकि सजनों, एक विद्वान ने लिखा, हमारे देश में गाने गाए जाते हैं, दीदी हमें आजादी बिना चरक बिना ढाल, ओ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पर सजनों ये सच्चाई नहीं है। 7,32,680 इतने तो लिखित में है, जो अंग्रेज कहते हैं कि या तो हमने मार दिया या फांसी पर लटका दिया या काले पानी भेज दिए। इनमें से 85% व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे सजनों, उनके शिष्य थे। और एक बात कवि ने लिखी कि हिंसा अगर परले नहीं करती, अहिंसा का मान नहीं होता। बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली बजाना। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति थे सजनों जिन्होंने आजादी का श्रेय दिया जाता है, एक क्रांतिकारी थे, एक शांति, एक नरम दल था, एक गरम दल था। अंदाजा लगा लीजिए आजादी किसने दी है। पर मैं एक बात जानता हूं कि हिंसा अगर परले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान, बोलो तो सही, गीता का ज्ञान कि हिंसा अगर परले नहीं करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, नेता का मतलब सुभाष, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। सजनों मेरी मां से जाकर के एक बात और कहना, क्या, कि मैं विद्यावती का ही बेटा नहीं हूं, मैं तमाम माताओं का बेटा हूं। ऐ मेरी बहन, बगावत ही मैं क्यों करता। तू कहती है मर जाएगा मर जाएगा, हाँ। बगावत ही मैं क्यों करता अगर मरने का डर होता। और लाइन आपके दिल में उतरे तो बताना कि बगावत ही मैं क्यों करता अगर मरने का डर होता, और चढ़ाता भेंट भारत माता की अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता। लेकिन भाई मैं तुझसे इतना भी कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजों से माफी मांग ले, ये तुझे माफ कर देंगे और अपने घर वापस चल मेरे भाई। माफी मांगना तो कायर कमजोर और बुजदिलों का काम है। भगत सिंह तो दयानंद का शिष्य है, जिएगा भी शान से, और अगर मौत को गले लगाया तो उसे भी शान से लगा के जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। कहे अपनी बात सुन ले। हाथ के मैंने सजा सुनाई उसते मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई। गुणगान होगा तेरी राखी के, तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। और तू कह रही थी ना कौन भात भरेगा मेरे, हाँ भाई, अरे पगली, इसका भी जवाब सजनों आपके दिल में उतर जाए तो सुनना। तेरी राखी के, अरे तेरी राखी के नेग जोग में वाहन मेरा बलिदान होगा, कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भात ही हिंदुस्तान होगा, कहे करण न्यू कह दी तेरा भात ही हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार ओ,
घड़ी लगा के दुर्गे मात में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ।